लेकिन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपकी दिल तमन्ना को पूरी करे। दोस्तों, आज की जो हमारी फसल है वो है गोभी। गोभी के बारे में आपको कुछ फ़ायदे भी बताऊंगा, किस किस के लिए आपको फ़ायदेमंद देगी। इससे पहले छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करना और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, जो मैं ये सब्जियों की वीडियो बनाता हूँ ना, तो इसलिए बनाता हूँ कि जो हरी हरी सब्जियाँ हैं ना, माशाल्लाह इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो बाज़ार से लेके आते हैं ना, उसमें हम लोग खुद जिम्मेदार आदमी हैं। हम लोग इधर से तोड़ते हैं, फिर नग एक होता है उसमें डाल के मंडी में बेचते हैं। मंडी में जा के 4-5 दिन के बाद आपको मिलती है। तो इससे पहले कि ये बात है कि जो विटामिन ज़्यादा होते हैं ना, वो है बूटे के साथ, जैसे कि ये लगी हुई है, हमने लगाई हुई है। मज़ीद आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से पौधा तैयार होता है और किस तरह से बनती है। तो ये जो फ़ायदेमंद है ना, ये अकेली गोभी बना के फिर फ़ायदेमंद है। आप उसमें आलू डालते हैं ना, तो आलू डाल के इसकी जो आलू जो है वो गैस करता है, इसकी वजह से आदमी को गैस होती है। अगर अकेली गोभी बना के खाते हो ना, तो माशाल्लाह जिसको बवासीर हो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिसका पेट ख़राब होता हो, किडनी के मतलब मसाने की वजह से उसका छोटा पेशाब की रुकावट हो, से उसमें भी बहुत मदद करता है, इसकी बहुत उसको फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसके बहुत से और भी मज़ीद फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मसलन है कि ये जो हमने गोभी इसलिए के लगाई हुई है कि बनाने का, ये आपको फ़ायदा भी आपको बताऊंगा कि हम जो घर में भी बनाते हैं ना वो सब्ज़ी, हम भी यहीं से लेके जाते हैं, तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनती है सब्ज़ी, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको और भी सब्ज़ियों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा भी आपको बताऊंगा कि जिस सब्ज़ी में बोते विटामिन होते हैं, अक्सर मैंने देखे हैं यूट्यूब पे आदमी लोग बताते हैं कि ये सब्ज़ी खाओ तो ऐसे होता है, ये सब्ज़ी खाओ तो ऐसे होता है। दोस्तों, ये है कि जो फसल से लेके विटामिन उसमें ज़्यादा होते हैं, जो 4-5 दिन के बाद मिलती है उसमें विटामिन ज़्यादा होते हैं। जो बाज़ार से बूटे से अगर इसको निकाल दिया जाए, उसमें ये सुगड़ती है, इसके विटामिन ख़त्म होते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करना और छोटा सा एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना कि इस भाई की वीडियो कैसी लगी। इसके लिए अल्लाह हाफिज़।